मुंबई की एनसीबी की रेड्स और ड्रग्स का ये मामला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए सिर्फ एक जोक का टॉपिक बन गया है क्या? अब इन रेड्स का मजाक बनाकर ही शोज की टीआरपी बटोरने का काम किया जा रहा है? वेल, ऐसा ही कुछ मामला नजर आया रियलिटी शो इंडियन आइडल में, जहां पर भारती और हर्ष लिम्बाचिया इस शो के स्पेशल एपिसोड में पहुंचे थे। आदित्य नारायण, जो कि इस शो के रेगुलर होस्ट है, उन्हें चोट आई है, जिस कारण कुछ समय तक वो रेस्ट करेंगे और तब तक भारती और हर्ष लिम्बाचिया ही ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। ऐसे में शो के दौरान भारती और हर्ष लिम्बाचिया ने उनके ड्रग्स मामले को लेकर कई सारे जोक्स मारे। इस दौरान अनूप सोनी इस शो में एज अ गेस्ट आए थे, तब भारती और हर्ष अपनी ही एनसीबी की अरेस्ट और रेड का मजाक उड़ाते नजर आए। उन्होंने अनूप सोनी को देखते ही कहा, हमने वो सब रोक दिया है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अब वो मैटर मार्केट में क्लोज हो गया। भारती की इस बात को सुनकर पूरी ऑडियंस हंसने लगती है जोर जोर से, और इसके बाद अनूप सोनी जवाब देते हैं कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए नहीं आया हूँ। पर जाहिर सी बात है कि अनूप सोनी, जो कि क्राइम शो को होस्ट करते हैं, अक्सर असल जिंदगी में जो क्राइम की कहानियां होती है वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। ऐसे में उस माहौल को ऐसा बनाया गया जैसे अनूप सोनी वहां पर भारती और हर्ष के ड्रग्स वाली स्टोरी के बारे में ही बात करते आए हैं। आपको बता दें कि भारती और हर्ष के घर पर जब ड्रग्स की छापेमारी हुई थी, तब मीडिया ने काफ़ी कवरेज की थी। भारती सिंह दो दिनों के लिए जेल में भी रहकर आई थी। हालांकि मामला इस वक्त इन्वेस्टिगेशन लेवल पर है। दोनों के ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया गया है। जिस तरह से भारती और हर्ष ने कहा कि ये मामला मार्केट में बंद हो गया है, वैसा नहीं है। एनसीबी अभी तक इस मामले की छानबीन कर रही है। अब ये मामला यहाँ से कहाँ तक जाता है इसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल भारती और हर्ष की लाइफ के लिए ये पूरा मैटर जो है एक हंसी का विषय बन चुका है। ड्रग्स मामले के बाद से ही भारती और हर्ष को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया, जिसका इन्होंने काफी स्ट्रांगली सामना भी किया। कई दिनों तक भारती और हर्ष के पॉजिटिविटी को लेकर और स्ट्रांग रहने को लेकर मैसेजेस सोशल मीडिया पर आते रहे। कुछ समय के लिए भारती सिंह को कपिल शर्मा के शो से भी गायब होना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग्स मामले को लेकर, जिस पर आज भारती सिंह जोक कर रही है।